अम्मार यासिर से हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हुजूर ने इरशाद फरमाया था हमारे यासिर से कि इज़ा रअयत अलियन सलका वादियन व सलका नास वादियन गैरा। ऐ अम्मार, अगर तुम ये देखो कि अली एक वादी की तरफ जा रहे हैं और सारे इंसान किसी और वादी में जा रहे हैं। ये अच्छी तरह से भाई इसकी गहराई को महसूस कीजिएगा, इसलिए कि ये वमा यंतकुअनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहियु युहा की ज़बाने मुत्तर से निकला हुआ जुमला है। ये सनद है का ऐ अम्मार, अगर तुम देखो कि अली किसी एक वादी में जा रहे हैं और सारे इंसान किसी और वादी में जा रहे हैं, फर्स्ट लुक मा अली, सबको छोड़ देना, अली के साथ चले जाना। अली मौला, अली मौला, भाई सबको छोड़ देना, अली के साथ चले। वदइन नास, हुजूर ने कहा, ये भी कहा फर्स्ट लुक मा अली, अली के साथ चले जाना। अच्छा, जब अली के साथ चले जाना ये कह दिया तो दइन नास कहने की क्या जरूरत थी कि इंसानों को छोड़ देना, यानी देखो ये ना करना कि डबल पार्टी में आ जाओ। भाई अली एक वादी में जा रहे थे, दूसरे इंसान दूसरी वादी में। हमने कहा भाई अली के साथ भी है मा अली, फर्स्ट लुक मा अली, अली के साथ तो चल रहे हैं लेकिन दूसरों से भी ताल्लुक बना के रखो, क्या जरूरत है उनसे ताल्लुक बिगाड़ने की। कहा छोड़ देना उन सबको, क्या कहने, नहीं उदली क्या फिर रहता, इसलिए कि अली कभी तुम्हें गुमराही में छोड़ेंगे नहीं। क्या कहने क्या होता, और अली कभी तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं निकालेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अली पर एतमाद रखना, हुजूर ने फरमाया था हमारे यासिर को, क्यों? इसलिए कि इल्म खुदा है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने कहा था कि सारे इंसानों को छोड़ देना लेकिन अली इब्न अबी तालिब को नहीं छोड़ना, इसलिए कि खुदा का इल्म आपको मिलेगा दर अली इब्न अबी तालिब से। बेशक बेशक, ये खिताबत में कह रहा हूँ या हदीस है, मौला ने कहा था, मौला ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, खुतबा पहले सुना चुका हूं, अना इल्मुल्लाह, ये भी किताब तौहीद शेख सुदूक से सुना रहा हूं। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मौला ने कहा अना इल्मुल्लाह, मैं अल्लाह का इल्म हूं। ना 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 ना, ये नहीं कहा अना आलिमुन बिइल्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो नहीं कहा कि मैं अल्लाह के इल्म का आलिम हूं। ना 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 ना, अल्लाह के इल्म का आलिम हूँ, यानी फिर वो इल्म कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। अना इल्मुल्लाह, लिसाने सलूनी से जुमला जारी हुआ है, अना इल्मुल्लाह, मैं खुद इल्मुल्लाह हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बात अगर समझ में नहीं आई, एक लफ्ज में वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। कुरान अल्लाह का इल्म है, यानी अल्लाह के इल्म का इजहार है। सुभान अल्लाह, कुरान सामित अल्लाह के इल्म का इजहार है, अली कुरान नातिक ये भी अल्लाह के इल्म का इजहार है। अल्लाह के इल्म का इजहार कहाँ से होगा, हवा में, खला में, फजा में, कहाँ से होगा अल्लाह के इल्म का इजहार? क्योंकि हम मादी इंसान है, लिहाजा कोई ना कोई मटीरियल बात चाहिए ना, कोई जिसको हम महसूस कर सकें, जिसे हम सुन सकें, जिसे हम देख सकें। भाई अल्लाह ने एक किताब भेज दी, एक इंसान भेज दिया। अल्लाह ने किताब भेज दी, एक इंसान भेज दिया, यानी ये कि अली को किताबों में डालो तो कुरान बन जाए, कुरान को इंसानों में डालो तो अली इब्न अबी तालिब बन जाए। सुभान अल्लाह, इसलिए हुजूर ने फरमाया था कि अली किसी एक वादी में जा रहे हो, सब कहीं और जा रहे हो, सारी दुनिया कुछ और कह रही हो, आपने परवाह ही नहीं करनी सारी दुनिया की, आपने देखना अली क्या कह रहे हैं। बेशक, सुभान बेशक, बेशक। इतनी सैकड़ों इसकी मिसाल उस वक्त हम दे सकते हैं, एक मिसाल यहाँ की यूथ के लिए, सारी दुनिया रिसर्च करके कहती रहे कि भाई म्यूजिक तो बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए और साइकोलॉजी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए, आपने छोड़ देना म्यूजिक को, इसलिए कि अली अपने अबी तालिब ने उसे आराम कहा हुआ है। सारी दुनिया कहती रहे कि भाई अगर आप दाढ़ी ना रखें तो बड़े अच्छे लगते हैं। सारी दुनिया कहती रहे, वो भी बाज़ औक़ात किसी को खुशफहमी हो जाती है, लेकिन चले खुशफहमी ही सही, आप दाढ़ी ना रखे तो बड़े अच्छे लगते हैं। सारी दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे तो ये देखना अली इब्न अबी तालिब क्या कहते हैं। भाई अभी हमने ये जुमला अर्ज किया कि अली अगर किताबों में आए तो कुरान बन जाए, कुरान इंसानों में आए तो अली बन जाए। वाह वाह, वो मोमिनीन जो हमसे सवाल करते हैं कि मतलब दाढ़ी कहाँ लिखी हुई है कुरान में, आपको अली के चेहरे पे दाढ़ी नजर आती है? सलामत रहें, सलामत रहें। दाढ़ी कहाँ पर है? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी है या नहीं?
जी मौलाना साहब बिल्कुल है, तो कुरान में दाढ़ी मिल गई या नहीं मिल गई? भाई आप ही तो इस बात पर गैरों से लड़ रहे थे कि कुरान काफी नहीं है। आपकी अकीदे की बुनियाद इस बात पर है कि कुरान सामित काफी नहीं है, इसलिए कि कुरान काफी है ये किसी ऐसे शख्स ने कहा था कि जिसके हमारी कोई अहमियत है ही नहीं। बल्कि वो तो जो कुछ कहते तो हम बरअक्स करने को हक समझते हैं। आपने तो सारी जिंदगी उनसे बहस की है उनके मानने वालों से कि कुरान सामित काफी नहीं है, कुरान नातिक जरूरी यानी कुरान और अहले बैत। जब सारी जिंदगी आपने उनसे बहस की, जब दाढ़ी की बात आई तो आपको अली इब्ने अबी तालिब के चेहरे पे जब नजर आ गई तो काफी क्यों नहीं हुआ आपके लिए? आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कुरान की आयतों में देख लाऊं? कुरान की आयतों में भी होगा, वो जब आखिरी वारिस आएगा ना तो वो दिखला भी देगा कि कहां पर आपके जिस्म में इस वक्त शुगर है या नहीं है। बिल्कुल है, मैं कहूं बताइए मुझे शुगर का चीनी तो मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे तो चीनी नजर नहीं आ रही, मैं मानूंगा नहीं आपके जिस्म में शुगर है। अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कीजिए तो वहां आ जाएगा कि शुगर कितनी है। पता चला कि जिस्म में अगर कोई शय है भी एक वजूद में है, लेकिन जब तक एक्सपर्ट ना देख ले तो नजर नहीं आती आम इंसानों को। दूसरी बात यह कि आप क्यों फकत इसरार करें कुरान से बतलाइए, आपको इस हदीस को मानना है या नहीं मानना कि रसूलुल्लाह कुरान के साथ अली को भी छोड़ के गए थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली को भी छोड़ के गए थे। बस अब समझ में आ गया, इसलिए तो मौलाना ने कहा अना इल्मुल्लाह, मैं अल्लाह का इल्म हूं।